So today we will start our third diode, that is micro semiconductor devices, GaN diode. So what is GaN diode? We are going to study the working principle of GaN diode, what is the meaning of GaN effect, and then the energy level diagram of GaN diode, then its VI characteristics, then application advantages and disadvantages. How that GaN diode is used in the microwave applications, that also we are going to study here. So dekho, GaN diode mein ye jo different points hai, we'll go through this point. GaN diode is one kind of transferred electron device and exhibit negative resistance characteristics. Negative resistance characteristics jo humne already last ke lecture mein discuss kiya tha, ki jisme kya hota hai, voltage aur current ka out of phase hota hai. इसमें एम्पलीफिकेशन इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेजिस्टेंस. ओके, एंड इट GaN डायोड एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस हैव नो जंक्शन और गेट, जैसा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन और नीड फॉर माइक्रोवेव डिवाइसेस, कि माइक्रो डिवाइसेस में जंक्शन नहीं होना चाहिए. जंक्शन अगर जंक्शन हुआ भी तो जंक्शन में डिप्लेशन रीजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस में कोई जंक्शन नहीं होता और उसके वजह से उसका स्विचिंग फास्ट होता है. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस हैव नो जंक्शंस और गेट. टीईडी मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस. टीईडी आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम करस्पॉन्ड सेमी कंडक्टर्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, देन कैडमियम टेल्यूराइड. ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है सेमीकंडक्टर मॉलिक्यूल, उसका यूज करके हम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस फैब्रिकेट करते हैं. सो गैलियम आर्सेनाइड रहता है, इंडियम फॉस्फाइड रहता है, आईएनपी और कैडमियम टेल्यूराइड रहता है, सीडीटी. सो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस ऑपरेट्स विद हॉट इलेक्ट्रॉन्स हुज एनर्जी इज वेरी मच ग्रेटर दैन द थर्मल एनर्जी. अभी हॉट इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्सेप्ट है वो हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे. कि हॉट इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है, वो कंडक्शन बैंड में सबसे ऊपर रहता है. और आपको मालूम है एटम के स्ट्रक्चर में जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर है उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है. सो सबसे टॉप मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी एनर्जी क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहता है, पर होता क्या है कि जब हम उसको सप्लाई देते हैं तब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से डिटैच होके फ्री होता है, मेटल में ही फ्री होता है, तो उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं. सो कंडक्शन बैंड में भी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है उसको हॉट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. जनरली गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो मेटल्स है ये हाईली कंडक्टिव मेटल्स है, उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हॉट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एक्टिव टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इज देयर नेगेटिव रेजिस्टेंस. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एक्टिव टू टर्मिनल सॉलिड स्टेट, जो एक्टिव है, एक्टिव डिवाइस मतलब जिसको जो कुछ गेन एग्जिबिट करते हैं, जिनको कोई गेन होता है, जो जिनको कुछ डीसी सप्लाई लगता है ऑपरेशन के लिए, दैट इज एक्टिव डिवाइसेस. टू टर्मिनल जिसको दो टर्मिनल रहते हैं, सॉलिड स्टेट जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, डिवाइसेस इज देयर नेगेटिव रेजिस्टेंस. अभी नेगेटिव रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है ऑल एक्टिव डिवाइस, एक्टिव टू टर्मिनल डिवाइसेस की. नेक्स्ट है, इन अ पॉजिटिव रेजिस्टेंस द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज. देखो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इन अ पॉजिटिव रेजिस्टेंस द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इट आर इन फेज. द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉजिटिव रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड अ पावर ऑफ आई स्क्वेयर आर इज डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर. जैसे जब सर्किट में से करंट फ्लो होता है तब जो रेजिस्टिव एलिमेंट रहते हैं, लोड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए या रजिस्टर हो गए, उसके अक्रॉस क्या होता है, पावर डिसिपेशन होता है. पावर डिसिपेशन मतलब उसमें पावर कंज्यूम होता है. तो ये पावर का फार्मूला है, पावर इज इक्वल वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, और वोल्टेज आल्सो इज इक्वल वी इंटू आई. जैसा आपको फार्मूला मालूम है, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई
आर, मतलब ये वोल्टेज का फॉर्मूला है। ओके वी इज इक्वल टू आई आर। सो वी इज इक्वल टू आई आर इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज। ये ओम्स इक्वेशन है, आपको मालूम है ओम्स इक्वेशन। वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, बहुत ही बेसिक लॉ है, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर। तो अब हमने इस पावर को अब मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज क्या रहता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो हम यहाँ पे वोल्टेज की जगह क्या कर सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं। सो वी इज इक्वल टू आई आर, और इधर ये आई बचा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये क्या होगा? पी इज इक्वल टू आई इंटू आई आई स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आई इंटू आई आई स्क्वेयर इंटू आर। सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर, ये हो गया पावर का फार्मूला। ठीक है, और हम पावर को वी इंटू आई भी लिख सकते हैं, या आई स्क्वेयर आर भी लिख सकते हैं। ओके, या हम दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं पी के लिए। तो पी इज इक्वल टू, अब वी इंटू आई क्या रहता है? आई इज इक्वल टू इस इक्वेशन को अगर हमने रीअरेंज किया तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर आता है। तो वी को ऐसे ही लिखेंगे, और आई को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई को हम लिखेंगे वी बाय आर। सो वी इंटू वी बाय आर, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू वी इंटू वी वी स्क्वेयर, वी इंटू वी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। सो वी स्क्वेयर बाय आर इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पावर। तो पावर का इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन रहता है वो रहता है वी इंटू आई। तो उसको अगर रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, और अगर उसको ये भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर हमको ये करंट और रजिस्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और वोल्टेज और रजिस्टर के फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पावर। अब यहाँ पे जो ऐसे दिखाया है, इसमें जो इक्वेशन दिया है पावर का, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉजिटिव रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव रेजिस्टेंस द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट आर इन फेज। मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस में क्या रहता है? जो रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट, और उस करंट की वजह से उस रेजिस्टर के अक्रॉस जो डेवलप होने वाला वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या रहते हैं? फेज में रहते हैं। फेज में रहते हैं मतलब उनका सेम फेज रहता है, जीरो जीरो डिग्री फेज शिफ्ट रहती है दोनों में। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पॉजिटिव रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव रहता है, एंड अ पावर ऑफ आई स्क्वेयर आर इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर। इन निगेटिव रेजिस्टेंस द करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। करंट और रजिस्टर क्या रहता है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है निगेटिव रेजिस्टेंस में। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज निगेटिव, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप रहता है निगेटिव, एंड पावर ऑफ माइनस आई स्क्वेयर आर इज जनरेटेड। अब ये माइनस आई स्क्वायर आर पावर क्या होता है? जनरेट होता है एक्चुअली। सो जनरेटेड बाय द पावर सप्लाई एसोसिएटेड विद द नेगेटिव रेजिस्टेंस। सो माइनस मतलब ये जनरेट होता है, और प्लस आई स्क्वायर आर मतलब ये डिसिपेट होता है। एक बात आप याद रखो, आई स्क्वायर आर ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ये डिसिपेट हो रहा है, उसमें खर्च हो रहा है उसका, ये खर्च हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, और ये माइनस आई स्क्वायर आर मतलब ये वहां से जनरेट हो रहा है। सो माइनस आई स्क्वायर आर इज जनरेटेड बाय द पावर सप्लाई एसोसिएटेड विद द नेगेटिव रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंसेस एब्जॉर्ब पावर। देखो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड पॉजिटिव रेजिस्टेंसेस एब्जॉर्ब पावर, मतलब वो पैसिव डिवाइस रहते हैं, एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस जनरेट पावर, मतलब वो एक्टिव डिवाइस रहते हैं। देखो पॉजिटिव रेजिस्टेंस क्या करते हैं? पावर को एब्जॉर्व करते हैं, मतलब उसमें डिसिपेट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस क्या करते हैं? पावर को एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, उसमें क्या होता है फिर? वोल्टेज और करंट
सेम फेज में रहते हैं, 0 डिग्री फेज शिफ्ट रहती है उसमें, तो वो पावर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के कारण वो पैसिव डिवाइस होते हैं। एंड निगेटिव रेजिस्टेंस जनरेट पावर, मतलब एक्टिव डिवाइस होते हैं। जैसे एक्टिव डिवाइसेस क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, मतलब उसको गेन होता है, तो उसको एक्टिव डिवाइसेस बोलते हैं। सो निगेटिव रेजिस्टेंसेस एग्जिबिट करने वाले जो डिवाइसेस रहते हैं वो कौन से रहते हैं, एक्टिव डिवाइसेस रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस आर बल्क डिवाइसेस हैविंग नो जंक्शंस और गेट एज कंपेयर टू माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट विद देयर जंक्शन और गेट्स। ठीक है, ये जंक्शन और गेट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस ऑपरेट विद हॉट इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी इज वेरी मच ग्रेटर देन द थर्मल एनर्जी। उनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी से भी बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे हॉट इलेक्ट्रॉन से वो ऑपरेट होते हैं। तो अब ये हॉट इलेक्ट्रॉन क्या रहता है वो हम देखने वाले हैं। अब उसके पहले हम देखेंगे गन इफेक्ट। गन इफेक्ट क्या होता है? सो जेबी गन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जेबी गन ऑब्जर्व द गन इफेक्ट इन एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड। ही स्टेट्स दैट अबोव क्रिटिकल वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2000 to 4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, द करंट इन एवरी स्पेसिमन बिकेम अ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेसिमन मतलब कोई जो टुकड़ा रहता है उसको स्पेसिमन बोलते हैं। तो द करंट इन एवरी स्पेसिमन बिकेम अ फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम। तो इतने वोल्टेज पे क्या होता है, वो करंट का फ्लक्चुएशन होता है। इन गैलियम आर्सेनाइड स्पेसिमन, स्पेसिमन मतलब वो टुकड़ा रहता है जिसमें से हम करंट फ्लो होता है हमारा। दिस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन टुक द फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक ऑसिलेशंस सुपरइम्पोज्ड अपॉन द पल्स करंट। गन, देखो ये पॉइंट जो है अभी हम जब हम डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इन गैलियम आर्सेनाइड स्पेसिमन दिस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन मतलब करंट टुक द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक ऑसिलेशंस। वो क्या करता है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस के फॉर्म में आता है, सुपरइम्पोज्ड अपॉन द पल्स करंट, जो उसमें से पल्स करंट फ्लो होता है उसके साथ उसका क्या होता है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस होता है। किसका, जो फ्लक्चुएटिंग वो वोल्टेज की वजह से जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसका। गन इफेक्ट ऑकर्स इन एन टाइप मटेरियल्स ओनली। गन इफेक्ट है एन टाइप मटेरियल में ऑकर होता है, क्योंकि गन इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, और इलेक्ट्रॉन ये एन टाइप मटेरियल में होते हैं, इसलिए गन इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन जिसमें है मतलब एन टाइप मटेरियल में ही ऑकर होता है। सो दैट इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स रादर देन होल्स। ओके, सो नेक्स्ट ये है, यहाँ पे गन इफेक्ट इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। सो कुछ स्टेटमेंट है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो जब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और उसको डिक्टेट करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, इसीलिए मैं ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहा हूँ। गन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टू वैले थ्योरी ऑफ रिडली वैटकिंस हिल्सम आर डब्ल्यू एच। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने क्या किया था, इस पर रिसर्च किया है। ये आर डब्ल्यू एच थ्योरी, दैट इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, उस पर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ बल्क एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर कंडक्शन वैली टू द एल वैली, लोअर कंडक्शन वैली द एल वैली टू अपर सबसाइडरी वैली दैट इज यू वैली। अब लोअर वैली जो रहती है उसको कंडक्शन बैंड में होता है, ये लोअर वैली को बोलते हैं एल वैली और अपर वैली को बोलते हैं यू वैली। एज शोन इन द फिगर बिलो द कर्वेचर ऑफ टू वैलीज इन द कंडक्शन बैंड ऑल्सो कॉल्ड द सब बैंड आर डिफरेंट सो दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एल वैली मतलब लोअर वैली हैज स्मॉलर इफेक्टिव मास एम वन इज इक्वल टू 0.072 × m0 ये बेसिक मास है देन वन इन द यू वैली m2 is equal to 1.2 m0। The different effective masses means different mobilities for the L valley. The L valley की mobility ये रहती है 0.5 m² per whole second and U valley की mobility रहती है 0.01 m² per whole second respectively. Okay, ये mobility मतलब उसको mobile होने के लिए, transfer होने के लिए जो उसकी जो characteristics रहती है transfer होने की, mobile होने की, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होने की, ये उसकी मोबिलिटी रहती है। तो ये एल वैली की ज्यादा रहती है और यू वैली की कम रहती है। ये 0.5 m² per whole second मतलब ज्यादा है और अपर वैली की
0.01 मीटर स्क्वायर पर होल्ड सेकंड ये कम रहती है। ओके और उनका मास भी कैसे रहता है, एल वैली हैज स्मॉलर इफेक्टिव मास, एल वैली का मास स्मॉल रहता है 0.072 m0 रहता है देन इन अपर वैली, अपर वैली का मास रहता है 1.2 m0। ओके और जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा एनर्जी। देखो अब ये डायग्राम अच्छे से देखो आप, इस डायग्राम में ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये क्या व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम जो आपने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में पढ़ा है। सो एनर्जी बैंड डायग्राम में यहाँ पे ये जो वैलेंस बैंड है, दिस इज द वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। ओके फॉरबिडन एनर्जी बैंड, तो उस फॉरबिडन एनर्जी का जो गैप है यहाँ पे वो कितना है, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज। ओके 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जब हम उस सेमीकंडक्टर को 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना उतनी एनर्जी देते हैं, तब वो तब क्या होगा, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, और जब तक वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता तब तक वो जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, वो करंट उस डिवाइस से फ्लो नहीं होगा। सो करंट किस इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, तो करंट कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, ना कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से। सो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन पहले कंडक्शन बैंड में जाना चाहिए तभी वो करंट फॉर्म करेगा, पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए या कंडक्शन बैंड में जाने के लिए हमें उस सेमीकंडक्टर को इतनी एनर्जी देना पड़ता है, और वो एनर्जी कितनी है यहाँ पे, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ये ऑर्बिटन बैंड पास करने के लिए। तो अब ये जो कंडक्शन बैंड है, अब कंडक्शन बैंड में भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी रहती है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड में दो वैली है, यहाँ पे एक लोअर वैली है ये एक दिखाई यहाँ पे एल, और यहाँ पे एक अपर वैली है यहाँ पे दिखाई यू, यू मतलब अपर वैली, एल मतलब लोअर वैली, और ऐसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये ई ऐसे दिखा रहा है मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और उन्होंने उनका मास भी बताया हमें कितना है, तो अपर वैली का मास ज्यादा है और मोबिलिटी जो है यहाँ पे दिया है हमारा अपर एंड यू वैली, उसकी मोबिलिटी कम है और उसका मास ज्यादा है। देखो अपर वैली का मास जो है वो 1.2 m0 है और उसकी मोबिलिटी कम है, ठीक है, और ये लोअर वैली का मास इतना है, लोअर वैली स्मॉल इफेक्टिव मास 0.072 m0, और उसका जो मोबिलिटी है वो कितना है, एल वैली का 0.5 मीटर स्क्वायर पर होल्ड सेकंड। तो मास कम और मोबिलिटी ज्यादा, लोअर वैली की मास कम मोबिलिटी ज्यादा, अपर वैली का मास ज्यादा और मोबिलिटी कम। तो अब ये लोअर वैली का इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपर वैली में जाने के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड लगता है, जिसको हम डेल्टा ई भी बोलते हैं। तो कितना एनर्जी डिफरेंस रहता है इन दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस रहता है 0.3 इलेक्ट्रॉन होल्ड। ओके तो सबसे जल्दी कंडक्शन बैंड में जो करंट फॉर्म करेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर लोअर वैली का या अपर वैली का, तो ऑब्वियसली वो अपर वैली का रहेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा रहेंगी, ठीक है, अपर वैली के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहेंगी और लोअर वैली के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा रहेंगे। वैसे दोनों भी इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में ही है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन करंट फॉर्म करेंगे, पर सबसे जल्दी करंट और सबसे ज्यादा एनर्जी का करंट कौन फॉर्म करेगा, ये अपर वैली का इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम। नेक्स्ट है उसके एनर्जी लेवल्स यहाँ पे दिए हुए, देखो गैलियम आर्सेनाइड एनर्जी बैंड यहाँ पे दिए हुए, तो ये फर्स्ट लास्ट का जो बॉटम का बैंड आप देख सकते हो उसको बोलते हैं फील्ड एनर्जी बैंड, मतलब यहाँ पे पूरी एनर्जी फील्ड है, फील्ड एनर्जी बैंड। उसके बाद जो बैंड है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप मतलब कौन सा, जो ये हमने देखा अभी फील्ड एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड, और फॉरबिडन मतलब ये गैप है, वो फॉरबिडन मतलब ये जो दोनों के वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप, और ये है फॉरबिडन गैप। उसके बाद फिर से एक एनर्जी फील्ड गैप आता है,
और उसके बाद फिर पार्शियली फिल्ड एनर्जी बैंड रहता है, और फिर नैरो फॉरबिडन गैप रहता है, ये नैरो फॉरबिडन गैप रहता है, और उसके बाद एम्प्टी एनर्जी बैंड रहता है, और ये एम्प्टी एनर्जी बैंड है। इस एम्प्टी एनर्जी बैंड में क्या होता है फिर, अब ये कंडक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और वो करंट फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो दीज आर द वेरियस एनर्जी लेवल्स इन गैलियम आर्सेनाइड, एनर्जी लेवल्स है उसको एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, एट लो और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय एनर्जी सेपरेशन, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये पॉइंट देखो, एट लो और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो या लो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय एनर्जी सेपरेशन, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट। जैसा आपको मालूम है कि टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, और टेम्परेचर की वजह से भी कुछ करंट फ्लो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। सो एट लो और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन अ मैनर डिटरमाइंड बाय द एनर्जी सेपरेशन डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब कौन सा एनर्जी सेपरेशन, ये डेल्टा ई, इसके हिसाब से क्या होते हैं वो, एनर्जी सेपरेशन होता है उनका, कि कितना टेम्परेचर है या कितना डेंसिटी है सॉलिड स्टेट की, उसके हिसाब से। द वैल्यूज स्टेटेड इन द फिगर, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट लो टेम्परेचर विल ऑक्यूपाई स्टेट इन एल वैली एंड कैरी ओहमिक करंट। क्या होता है, द वैल्यूज स्टेटेड इन द फिगर, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट लो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेंगी तो क्या होगा, एंड एट लो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और टेम्परेचर भी कम है, तो जो मोस्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एल वैली की जो स्टेट है वो उस स्टेट में ऑक्यूपाई करेंगे उस स्टेट को, और वो ओहमिक करंट को कैरी करेंगे। ठीक है, एज द अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम इट एंड मूव टूवर्ड्स द यू वैली। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, अप्लाइड फील्ड बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एल वैली से यू वैली में ट्रांसफर होंगे। एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू यू वैली मतलब अपर वैली, देयर मोबिलिटी डिक्रीजेस, मोबिलिटी डिक्रीज होंगी एंड द इफेक्टिव मास इज इंक्रीज। जैसे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, द डिक्रीजिंग द करंट डेंसिटी मास इज इंक्रीज, द डिक्रीजिंग द करंट डेंसिटी एंड हेंस द नेगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी। तो उसमें क्या होगा, करंट डेंसिटी उनकी मास बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी और निगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हेंस द निगेटिव डिफरेंशियल कंडक्टिविटी। देयर इज अ सर्टन थ्रेशोल्ड फील्ड 3.3 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर अबोव विच दिस इंटर वैली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम लोअर एल वैली टू यू वैली। यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फील्ड रहते हैं, इतनी फील्ड देने के बाद क्या होता है, उसके उससे ज़्यादा अगर फील्ड हमने दिया तो उसमें क्या होता है, इंटर वैली ट्रांसफर होता है। इंटर वैली मतलब लोअर वैली से अपर वैली में चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये फील्ड कितनी लगती है उसके लिए, 3.3 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, उसके ऊपर तभी तभी क्या होगा, लोअर वैली के इलेक्ट्रॉन अपर वैली में जाएंगे। अब ये उसका ये देखो, ये है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वोल्टेज है, ठीक है, जो सप्लाई हमने कनेक्ट किया है गन डायोड को, सप्लाई क्यों कनेक्ट करते हैं हम, उसमें से करंट फ्लो होने के लिए, ओके। और यहाँ पे करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी देखो, जैसे हम शुरू में इनिशियली करंट डेंसिटी को बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं, तो करंट डेंसिटी सडनली बढ़ती है और टॉप में जाती है, और उसके बाद वो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बावजूद भी हमारी करंट डेंसिटी डिक्रीज होती है, और करंट डेंसिटी डिक्रीज होती है फिर और एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ पे क्या होती है, करंट फिर से मिनिमम लेवल पे आता है और फिर से वो स्टेडीली इंक्रीज होने लगता है, ओके। तो ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
कि ऐसी वैल्यू कि जिस वैल्यू में करंट डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और एक पॉइंट तक डिक्रीज होती है, उसको हम ईवी बोलते हैं, वैली वैली पॉइंट रहता है ये, उसको वैली पॉइंट बोलते हैं। और ये जो ईएम रहता है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू रहती है, और ईवी में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। और ईवी के बाद फिर से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं, तो वैसे लीनियरली वो करंट डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो ये जो टिपिकल रीजन रहता है ईएम से ईवी तक का, उसको निगेटिव डिफरेंशियल मोबिलिटी रीजन बोलते हैं। ओके, इसमें जेएम रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम करंट डेंसिटी और जेवी रिप्रेजेंट वैली करंट डेंसिटी। तो मैक्सिमम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ईएम, जहाँ पे हमें मैक्सिमम करंट डेंसिटी मिलती है, उसको हम जेएम बोलते हैं। जेएम इज ए मैक्सिमम करंट डेंसिटी, और वो कौन से पोटेंशियल पे मिलती है हमें, मतलब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पे मिलती है, तो ईएम पे। और ये जो जेवी है, जेवी मतलब वैली करंट डेंसिटी, यहाँ पे वैली हो गई, वैली फॉर्म हो गई, वैली जिसको मराठी में दरी दरी बोलते हैं, जैसे डोंगर यानी दरी अस्ते, बराबर है, तो वैसे ही वैली है। तो यहाँ पे जेवी है, जेवी है करंट डेंसिटी एट वैली पॉइंट, और ये वैली कहाँ पे आती मिलती है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी में। तो ये जो रीजन है उसको बोलते हैं निगेटिव डिफरेंशियल रीजन। अब निगेटिव डिफरेंशियल रीजन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वोल्टेज, हम वोल्टेज बढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे, फिर भी करंट डिक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बावजूद भी अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या, वोल्टेज और करंट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसका मतलब होता है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन आउट ऑफ फेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के बावजूद भी करंट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस रीजन में क्या होता है, निगेटिव निगेटिव रेजिस्टेंस होता है, एंड दिस निगेटिव रेजिस्टेंस इज यूज फॉर एम्पलीफिकेशन। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गन डायोड। सो अबव फिगर शोज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, द रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ईएम एंड ईवी वेयर करंट डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टिविटी। देखो, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही तो करंट डिक्रीज हो रहा है, ये जो रीजन है इस रीजन को क्या बोलते हैं, निगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टिविटी। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द गन डायोड। अब ये जो है, ये डायग्राम आपको ये गन डायोड के कंस्ट्रक्शन से भी अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, ये गन डायोड का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे एनोड है, एनोड मतलब गोल्ड वायर है, यहाँ पे गोल्ड का बनाया हुआ है, यहाँ पे गोल्ड अलॉय कॉन्टैक्ट है, ये भी गोल्ड अलॉय कॉन्टैक्ट है, ये एन प्लस सब्सट्रेट, एन प्लस मतलब यहाँ पे हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। ये एक्टिव एन लेयर है, एक्टिव एन लेयर मतलब यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये जो है ये गोल्ड अलॉय कॉन्टैक्ट है, ये और ये मतलब ये भी गोल्ड है, ये एन है, ये एन प्लस है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये भी एनोड गोल्ड का वायर है, मतलब ये पूरा ही प्योर कंडक्टर हो गया, एक्सट्रीम प्योर कंडक्टर हो गया। और ये एन प्लस ये सेमीकंडक्टर हो गया जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो पार्ट है उसको हीट सिंक बोलते हैं, ये कैथोड है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। इसका डायमेंशन भी दिया है यहाँ पे, ये 15 माइक्रोमीटर, ये 8 माइक्रोमीटर, ये 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। एक्टिव एन लेयर का डायमेंशन है 5 माइक्रोमीटर, देन ये जो एन प्लस सब्सट्रेट का डायमेंशन है 15 माइक्रोमीटर। अब होगा क्या, जब हम उसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, द सब्सट्रेट यूज हेयर इज एन ओहमिक कॉन्टैक्ट विच हाईली डोप्ड फॉर गुड कंडक्टिविटी, द एक्टिव लेयर इज लेस हेविली डोप्ड। एक्टिव लेयर ये क्या है, लेस हेविली डोप्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये फील्ड एनर्जी बैंड है, ये फॉरबिडन गैप है, ये पार्शली फील्ड है, ये नैरो फॉरबिडन गैप है, और ये एनर्जी बैंड है। तो ये पूरे फील्ड होंगे, तो उसका ऑपरेशन कैसा होगा ये अभी हम देखने वाले हैं। अब ये अगर हमने ये एनोड को पॉजिटिव को कनेक्ट किया और ये कैथोड को निगेटिव को कनेक्ट किया, मतलब फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट किया, तो ये गोल्ड होने के कारण क्या होगा, जैसा हमने सप्लाई दिया वैसे लार्ज करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लार्ज करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और उसमें से करंट फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि गोल्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा ज्यादा गोल्ड बहुत ही ज्यादा कंडक्टिव है, और हमने सप्लाई दिया तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम फ्लो होंगे, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम फ्लो होने के कारण क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़े तो लार्ज करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा लार्ज करंट, क्योंकि उसमें बहुत बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कंडक्शन बैंड में कि बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ पे ऐसा बढ़ रहा है, और इस पॉइंट तक इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो यहाँ तक जाने के बाद वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे कंडक्शन बैंड में वो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर जैसे हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ाने के बाद भी क्या होगा, वो करंट कम होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली ही क्या होगा,
जो हॉट इलेक्ट्रॉन्स थे वो हॉट इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे फ्लो हो गए। ओके, हॉट इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे फ्लो हो गए और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा करंट फॉर्म हो गया और इसीलिए ये उसने मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया। उसके बाद जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं फिर भी करंट नहीं बढ़ता है, वो कम होते जाता है, इसलिए ये निगेटिव रेजिस्टेंस निगेटिव डिफरेंशियल मोबिलिटी रीजन यहाँ पे आता है। ओके, सो द गोल्ड अलॉय कॉन्टैक्ट्स आर इलेक्ट्रो डिपोजिटेड एंड यूज फॉर गुड ओहमिक कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफर फॉर सब्सिक्वेंट डिसिपेशन। अब वो फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ गन डायोड एंड इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द स्लाइस ऑफ जेएस व्हिच इज डोप्ड सो एज टू हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एज अ करंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द स्लाइड। The greater potential across the slice, the higher the velocity with which the electrons move towards the positive and therefore greater the current. So much energy is imparted to the electron by the extremely high voltage gradient that instead of traveling faster and therefore constituting a large current, their flow actually slows down. So wo large current flow hote hai aur unka current kya hota hai, slows down hota hai baad mein. So because the electron have the acquired higher enough energy to be transferred to the higher energy band which is empty, the transfer electron effect. Electron have been transferred from conduction band to the higher energy band in which they are much less mobile and current has been reduced as the result of voltage. Yes, I have already explained to you. As the applied voltage rises fast, the threshold negative resistance value, current falls and negative resistance exhibit. When it is so biased, the time it takes for electrons to flow across the material is such that the current will be 1 degree out of phase with the applied voltage. If the gun diode is so biased and connected to cavity that resonant near frequency determined by the electron transit time, resulting combination will oscillate. So gun diode are available to oscillate at a frequency up to 50 gigahertz. Okay, 50 gigahertz tak uska oscillations hota hai and it can be used as a oscillator. In the lower micro range, power output up to several